अभी ख्याल रात को दिन को चलते फिरते खाते पीते सोते जागते किसी भी वक्त उसके दिमाग पर गुबार की तरह छा जाता। कोई था जो इसके दिमाग को मफलूज कर रहा था, उसे तरकीब दे रहा था, उसे सुनहरी ख्वाब दिखा रहा था। ये सिलसिला बढ़ता ही जाता था। बाबा कंबल से उस दिन के बाद से कोई बात इस मौजू पर नहीं हुई थी। अब तो बाबा से बात भी बराए नाम होती थी, क्योंकि वो रात को कब्रिस्तान में होता और दिन में वो अमलियात वाले कमरे में होता और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता। वो जब घर में आता और अमलियात वाले कमरे में जाता तो जाने से पहले वो अपना तकिया इसरार से ज़रूर मांग लेता, शायद इस तकिए को अपने सर के नीचे रखकर सोता था। ये बाबा कंबल का मखसूस तकिया था, इस पर काला गिलाफ चढ़ा हुआ था। रात को जाते हुए वो ये काला तकिया इसरार को दे जाता, इसरार इस तकिए को अपने सर के नीचे रखकर सोता। सारा इसरार इस तकिए में था। बाबा कंबल जानता था कि इसरार इसके तकिए को सिरहाने रखता है। वो इस तकिए को अपने सामने रखकर सहर फूंकता था, उसके दिमाग पर जो ये गुबार छाया रहता था और कुर्बान होने की बात को पुरकशिश बनाया जा रहा था, वो सब काले तकिए का कमाल था। जब ये तरगीब तवातर से इसके दिमाग को मिलने लगी तो वो ज़रा चौंका। उसने जिस मामले को बड़े मुस्तहकम और दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया था, वो बात इसे किसी केकड़े की तरह अपनी गिरफ्त में लेती जा रही थी। ओ इसरार, 12 हाथ वाली पर कुर्बान हो जा, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, तुझे एक ताकत मिल जाएगी, तू उड़ा उड़ा फिरेगा। अब इसका जहन इस बात पर आमादा होने लगा था कि वो 12 हाथ वाली पर कुर्बान होकर क्यों ना अमर हो जाए। इस आमादगी ही ने इसे चौंका दिया था। जरूर कोई गड़बड़ थी। बाबा कंबल इस पर जरूर कोई अमल कर रहा था, इस पर सहर फूंक रहा था, इसे सहर ज़दा कर रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था। अभी वक्त था कि वो इस सहर से निकल आए, वरना फिर 12 हाथ वाली पर कुर्बान होने के सिवा कोई चारा ना रहता। जब उसने सहर के जरिए पर गौर किया तो इसका जहन फौरन काले तकिए की तरफ गया। उसने इस तकिए को फौरन अपने सर के नीचे से निकाल दिया और दूसरा तकिया रख लिया। इस तकिए पर नारंगी रंग का गिलाफ चढ़ा हुआ था। फिर दूसरे दिन इसने एक और काम किया। इसने बाबा के कमरे में सोना छोड़ दिया। वो सहन चारपाई पर बिछाकर अपने बिस्तर पर सोने लगा। लेकिन ये होशियारी जरूर करता कि सुबह बाबा कंबल के आने से पहले चारपाई खड़ी करके तख्त पर जा लेटता और दिखाने के लिए काला तकिया भी सर के नीचे रख लेता। लेकिन फ़र्क फिर भी इससे कुछ ना पड़ा, इसलिए कि अब तदबीर का वक्त गुजर चुका था, सहर की मियाद पूरी होने को थी, बाबा कंबल की मेहनत रंग लाने को थी। आखिर उसने दिन रात एक कर दिए थे, इसका अमल आखिर कामयाबी से क्यों ना हमकिनार होता। इसरार की तशवीश बढ़ गई थी, सारा मामला उसकी समझ में अच्छी तरह आ गया था। अब फैसला कुन इकदाम ज़रूरी था। एक सुबह जब बाबा कंबल कब्रिस्तान से वापस आया तो उसने बाबा कंबल को पकड़ लिया। बाबा ऐसा ना करें, इसरार ने बड़ी मुलायमत से कहा। कैसा ना करूं, खुलकर बोल। बाबा कंबल की जर्द आंखों में बड़ी सफाकी थी। बाबा आपने मेरा दिमाग बांध दिया है, आप मुझे भेंट चढ़ाने पर तुले हुए हैं, उसने साफ कहा। देख इसरार, हमें काकोर चाहिए, और काकोर के लिए मुझे अपना बेटा भी भेंट चढ़ाना पड़ता तो चढ़ा देता। बाबा कंबल भी अब खुलकर सामने आ गया था। बाबा आप अच्छा नहीं कर रहे, इसरार नासिर के लहजे में तंबीह थी। हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा खूब अच्छी तरह जानते हैं, तू हमें धमकी ना दे। अब बात इतनी आगे जा चुकी है कि वापसी मुमकिन नहीं, बस आज की रात और, इसके बाद तुझ पर हमारा कब्जा पक्का हो जाएगा। हम जो चाहेंगे वो तू बोलेगा, हम जो चाहेंगे वो तू करेगा, तेरा दिल और दिमाग हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। अब तेरे पास फरार का कोई रास्ता नहीं बचा है, बस इसरार आज की रात और। बाबा कंबल ने सारा भेद खोल दिया। वो एक बड़ा साहिर था, इसे अपने मंत्रों पर बड़ा नाज था। वो जानता था कि एक रात का अमल और रह गया है, इसके बाद इसरार मफलूज होकर रह जाएगा। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मुझे कुर्बान करने पर तुल ही गए हो तो फिर अपनी मर्जी कर गुजरो। इसरार ने कुछ सोचकर अपना लहजा बदल लिया, उसने हथियार डाल दिए, पस्तपाई का रास्ता इख्तियार कर लिया। हाँ ये हुई ना बात, अब आया तू सीधे रास्ते पर। अगरचे तू पूरी तरह मेरी गिरफ्त में है, तेरी मौत के बाद अब मैं तुझे ताकतवर बनाने का पाबंद नहीं रहा, लेकिन मेरा अब भी तुझसे वादा है कि तू भेंट चढ़ते ही अमर हो जाएगा, तुझे एक ऐसी ताकत मिल जाएगी जिसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता, बाबा कंबल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हमारा काला तकिया दे दे, हम सोएंगे। जी अच्छा बाबा, इसरार ने तख्त से उठाकर काला तकिया बाबा के हवाले कर दिया। बाबा इस तकिए को लेकर अमलियात वाले कमरे में दाखिल हो गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। बाबा के अंदर जाते ही इसरार दूसरे कमरे की दहलीज पर सर पकड़ कर बैठ गया। ये क्या हो गया, ये बाबा तो इसकी जान लेने पर तुल गया था, इसका ख्याल खाम साबित हुआ था।
बाबा ने उसकी जान नहीं छोड़ी थी। जब वो राज़ी खुशी भेंट चढ़ने के लिए आमादा नहीं हुआ तो इसने इसके दिलो दिमाग पर कब्जा जमाने के लिए ज़बरदस्त अमल किया था, और अब वो अमल आज रात मुकम्मल होने वाला था। अगर आज की रात गुजर गई तो फिर इसे इस दुनिया से गुजरने से कोई ना रोक सकेगा। तब उसने फैसला कर लिया कि वो आज की रात गुजरने ना देगा, वो इसका सहर तोड़ देगा। इसे बाबा का सहर तोड़ना ही होगा, वरना फिर कुछ बाकी ना रहेगा। आज की रात बड़ी फैसला कुन थी। वो सोचने लगा कि क्या करना चाहिए, अपनी जान किस तरह बचानी चाहिए। जो अमल इस पर किया गया था उसके असरात से वो अच्छी तरह वाकिफ था। ये एक ऐसा सहर था जिसका कोई तोड़ ना था। इस अमल के पूरा होते ही इसका मामूल बन जाना यकीनी था। वो सर पकड़े सोचता रहा। बहुत सी बातें, बहुत से ख्यालात उसके जहन में आते रहे। दरमियान में कई बार इस पर पछतावा भी तारी हुआ। वो क्यों इन अमलियात के चक्कर में पड़ा? अमलियात सीखने के शौक़ ने उसे कहीं का ना छोड़ा, क्यों वो इन फजूलियात में पड़ा? ये बाबा कंबल तो बड़ा सफाक कातिल निकला। इसने देखते ही इस अरसे में जाने कितनी जानें ले ली थीं। इसरार को अमलियात सीखने का शौक़ ज़रूर था, लेकिन वो जादू के ज़रिए किसी की जान लेने के हक़ में ना था। लेकिन वो बाबा कंबल के साथ रहकर खुद भी बड़ा पत्थर दिल बनता जा रहा था। सहर के ज़रिए लोगों की जानें लेने के अमल में वो बाबा का शरीक था। उसने इन कामों में बाबा की भरपूर मदद की थी। इसने ऐसा क्यों किया? वो शरीक जुर्म क्यों हुआ? पछतावे की एक लहर इसके दिलो दिमाग में घूमती हुई बाहर निकल जाती। दूसरों की जान लेने वाले की अब खुद ज़िंदगी दाव पर लग गई थी। वो सोचता रहा। मुख्तलिफ तरकीब उसके जहन में आती रहीं। वो नत नए मनसूबे बनाता रहा। बिल आखिर एक मनसूबे पर अच्छी तरह हर पहलू पर गौर करके अमल करने की ठान ली और घर से निकल खड़ा हुआ। वो दोपहर तक इंतज़ाम करके घर वापस आ गया। उसने दरवाजे का ताला खोला, अंदर दाखिल होकर बाबा के कमरे पर नज़र डाली। वो बंद था। इसरार को मालूम था कि वो शाम से पहले कमरे से नहीं निकलेगा। आज बाबा कंबल घर से जल्दी निकला था। वो जाते हुए इसरार से कह गया था कि वो आज जल्दी कब्रिस्तान से वापस आएगा, कोई 3 बजे तक आ जाएगा। जी अच्छा बाबा, इसरार ने बड़ी फरमाबरदारी से कहा और उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। वो बाबा कंबल को दरवाजे पर खड़े होकर जाते हुए देखता रहा। जब वो गली में मुड़ गया तो इसरार घर में दाखिल हो गया और सहन में टहलने लगा। जब उसे अंदाज़ा हो गया कि बाबा कंबल ने कब्र में बैठकर अपना अमल शुरू कर दिया होगा, तो वो अपनी पूरी तैयारियों से घर से निकला। सड़क पर पहुंचकर उसने रक्षा पकड़ा और कब्रिस्तान पहुंच गया। वो कब्रिस्तान में मेन गेट से दाखिल होने की बजाय दीवार फैलांकर अंदर दाखिल हुआ और पूरे इत्मीनान से कब्रों पर चढ़ता उतरता इस ढलानी रास्ते की तरफ बढ़ने लगा, जिसके आखिर में बाबा कंबल ने अपने लिए कब्र तैयार करवाई थी। ये कब्र अंदर से पुख्ता थी और ऊपर से कच्ची। मिट्टी और स्लैब हटाकर बड़ी आसानी से कब्र में उतरा जा सकता था। इसरार के दोनों हाथों में टीन के बड़े बड़े डब्बे थे, जिन्हें उठाए वो धड़कते दिल के साथ हिंडोले की तरफ बढ़ रहा था। अव्वल तो इसे इस वक्त यहाँ देखने वाला कोई ना था, और देखता भी तो यही समझता कि कोई शख्स पानी से भरे डब्बे उठाए कब्र ताज़ा करने जा रहा है। फिर वो लम्हा आ गया कि इसरार कब्र के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया। अब वो बहुत मोहतात अंदाज में चलता कब्र पर पहुँच गया। मलगुजे अंधेरे में उसने देखा कि कब्र के एक तरफ से मिट्टी हटी हुई है, लेकिन कब्र स्लैब से ढकी हुई है। उसने ज़रा सा झुककर कब्र की सुनगुन लेने की कोशिश की तो बाबा कंबल के मंत्र पढ़ने की आवाज़ इसके कानों में आ गई। बाबा कंबल पूरे इन्हमाक से अमल करने में मसरूफ़ था। इसरार ने एक डब्बा आहिस्ता से ज़मीन पर रखा और दूसरे डब्बे का ढक्कन खोल कर उसे भी ज़मीन पर रख दिया। फिर उसने बड़ी तेज़ी से स्लैब उठाकर कब्र पर उलट दिया। स्लैब उलटते ही ठंडी हवा का तेज झोंका कब्र में पहुंचा तो बाबा कंबल ने ऊपर देखा। बाबा मैं आ गया हूँ, मैं अपनी मर्जी से भेंट चढ़ने के लिए राजी हूँ, अब अपना अमल ख़त्म कर दें, इसरार ने कब्र में झांक कर कहा। ओ इसरार, तू अपनी मर्जी से नहीं आया, हमने तुझे बुलाया है, देखा तूने हमारा कमाल। ये कहकर बाबा कंबल कब्र में खड़ा हो गया और फिर उसने एक सीढ़ी पर पाँव रखकर कब्र से अपना मुँह चमकाया और बोला, आ जा अंदर आ जा, अभी थोड़ा सा काम बाकी है, फिर साथ ही चलते। बाबा कंबल अपना जुमला पूरा न कर सका। डब्बे से निकलने वाली मोटी धार इसके सर पर से होती हुई चेहरे पर पड़ी और वो उलट कर कब्र में जा गिरा। फिर इसरार नासिर ने उसे संभलने का मौका ना दिया। उसने आनन फानन इस टीन के डब्बे को, जिसमें एक इंतहाई खतरनाक तेजाब भरा था, बाबा कंबल पर उलट दिया। बाबा कंबल ने एक दो बार उठने की, खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ा ना हो पाया। उसे तो चीखने का मौका भी ना मिला। ये तेजाब इस कदर तेज था कि इसका सर और चेहरा उधड़ कर रह गया। सर और चेहरे के अलावा जहां जहां इसके जिस्म पर तेजाब गिरा, चंद लम्हों में खाल गल कर उतर गई।
सरार नासिर ने पूरा डब्बा इस पर उलट दिया था। बाबा कंबल का जिस्म पूरी तरह तड़प रहा था। बाबा अपने होश गंवा बैठा था। एक आग थी जो इसके जिस्म में घुसती चली जा रही थी। पिघला हुआ सीसा था जिसने इसकी आंखों को बेनूर, कानों को बेआवाज और जबान को गूंगा कर दिया था। उसका अय्यार जहन बेहोशी की चादर में लिपटता जा रहा था। इसे तो इतना मौका भी न मिला था कि वो यही अंदाजा करे कि इसके साथ हुआ क्या है। डब्बा खाली होते ही इसरार ने इसे इसके ऊपर फेंक दिया, फिर गर्दन में लटकी ताकतवर टॉर्च रोशन की और टॉर्च की रोशनी कब्र में डाली। कब्र में इंतहाई गरीब मंजर था। बाबा कंबल का चेहरा और जिस्म इंतहाई भयानक हो चुका था और इसका जिस्म अब भी तड़प रहा था, लेकिन पहले जैसी शिद्दत ना रही थी। इसरार नासिर ने तेजाब भरा दूसरा डब्बा उठाया, इसका ढक्कन खोलकर कब्र में फेंका। तेजाब से भरा डब्बा लेकर एहतियात से कब्र में एक सीढ़ी नीचे उतरा। फिर उसने झुक कर एक हाथ में टॉर्च पकड़ी और दूसरे हाथ से तेजाब इस पर डालने लगा। उसने डब्बे से निकलती मोटी धार के जरिए बाबा कंबल के पूरे जिस्म को अच्छी तरह नहला दिया। चेहरे और सर को इसने खसूसी तौर पर निशाना बनाया। वो चाहता था कि बाबा कंबल की सफाक खोपड़ी पिघल कर पानी हो जाए, वो इस काबिल ना रहे कि आइंदा किसी को मौत का निशाना बना सके। बाबा कंबल के जिस्म में बड़ी जान थी। वो अब भी रह रह कर तड़प उठता था और बाबा का जिस्म जैसे ही जुम्बिश करता, इसरार का हाथ हरकत करता और तेजाब की मोटी धार इस पर गिरती। ये तेजाब इस कदर खतरनाक था कि कब्र का सीमेंट फर्श भी सफेद हो गया था। इसरार ने टॉर्च बुझा दी थी क्योंकि कब्र का मंजर इस कदर दिल खराश था कि वो नजर भर कर उसे देख नहीं पा रहा था। टॉर्च बुझाकर इसने बाकी मानदा तेजाब भी कब्र में डाला, खाली डब्बा अंदर फेंका और कब्र से बाहर निकल आया। इसके बाद उसने स्लैब से कब्र को बंद कर दिया। बेलचा वहीं मौजूद था, उसने बेलचे के जरिए कब्र पर मिट्टी चढ़ा दी। बाबा कंबल कब्र के अंदर जले हुए गोश्त और पिघली हुई हड्डियों का मलबूबा बन गया था। वो खुद तो कब्र से क्या ही निकलता, उसके जिस्म के अंदर से ये हालत हो गई थी कि कोई भी इसे कब्र से निकालने की कोशिश करता तो इसके आजा ही एक-एक करके बाहर निकलते। अब वो टुकड़ों की सूरत में ही बाहर आ सकता था। ये वो शख्स था जो दूसरों की जिंदगियां टुकड़ों में बांट दिया करता था, जिसने अपने बाप को कत्ल किया था और ना जाने कितने मर्दों औरतों को मौत के घाट उतार दिया था, जो शैतान का पुजारी था। आज वो अपने शागिर्द के हाथों अंजाम को पहुंचा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस शख्स को वो भेंट चढ़ाने की तैयारियां कर रहा है, वो खुद ही इसकी भेंट चढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं कभी के दिन पड़े कभी की रातें। हाथी कभी कभी चींटी के हाथों मारा जाता है। बाबा कंबल को ये कब्र बहुत पसंद थी। वो इसे हिंडोला कहता था। उसने इस कब्र को अंदर से कुशादा और पुख्ता बनवाया था और कब्र पर अपने नाम का कतबा लगवाया था। वो नहीं जानता था कि ये मस्नूई कब्र कल इसकी असल कब्र बन जाएगी। इसरार नासिर ने कब्र पर अच्छी तरह मिट्टी चढ़ाई, बेलचा बहुत जोर से मिट्टी में मारा। वो कच्ची मिट्टी में अंदर तक घुस गया। उसने बेलचे को इसी तरह कब्र में गढ़ा छोड़ दिया और इंतहाई नफरत से बोला, खस कम जहां पाक। वो कोई घंटे तक इस कब्र के करीब बैठा रहा। वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। वो देखना चाहता था कि बाबा कंबल किसी तरह कब्र से बाहर तो नहीं निकल कर आ जाता, अगरचे ये बात मुमकिनात में से ना थी, लेकिन एहतियात का तकाजा यही था कि वो किसी किस्म का खतरा मोल ना ले। जिस कब्र में किसी तरह की कोई जुम्बिश ना हुई और ना ही कोई अंदर से आवाज आई तो वो उठ खड़ा हुआ। इसरार नासिर ने अपने बाएं जानेब कुछ फासले पर रोशनी देखी। वो इस रोशनी की जानेब बढ़ा, वहां एक मुर्दे की तदफीन हो रही थी। मुश्किल से वहां 10-15 आदमी थे। असरार नासिर ने सोचा कि इतनी रात गए इस शख्स के जनाजे के साथ इतने भी आदमी आ गए, ये बड़ी गनीमत है। इसरार नासिर भी इन लोगों के पीछे खड़ा हो गया। मुर्दे को कब्र में उतारा जा चुका था, बस अब मिट्टी चढ़ाई जा रही थी और ये काम दिलगीर बड़ी चाबुक दस्ती से कर रहा था। दुआ के बाद शरीक के जनाजा वापस हो लिए तो वो दिलगीर के पास आया। बाबा हैं या चले गए, दिलगीर ने इसे देखते ही पूछा। चले गए, इसरार नासिर ने सच्ची बात कही। अरे आज कुछ जल्दी नहीं चले गए क्या, वो बोला। हाँ दिलगीर, वो कुछ जल्दी चले गए। अब तुमने एक काम करना है, इसरार नासिर ने कहा। हाँ बोलो, वो अपने हाथ धोते हुए बोला। देखो दिलगीर, बाबा ने वो कब्र अब बंद कर दी है। उन्होंने कब्र में कोई चीज दफन की है। क्या दफन किया है बाबा ने, उसने पूछा। ये मैं नहीं बता सकता, अलबत्ता इतना जरूर बता सकता हूँ कि अगर किसी ने कब्र खोल कर देखी तो वो उसी वक्त मर जाएगा, इसरार नासिर ने इंतहाई संजीदगी से कहा। ओ अच्छा, दिलगीर बोला। अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया। बाबा हुक्म दे गए हैं कि कल दिन में इस कब्र को ऊपर से भी पक्का करना है, असरार ने कहा। दिलगीर मैं अब सुबह आऊंगा, तुम इंतजाम कर लेना, मैं अपनी निगरानी में कब्र पक्की करवाऊंगा।
मुझे कब्र पर बैठकर कुछ पढ़ना भी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बेलचा अभी कब्र में गड़ा हुआ है, इसे निकालना मत, मैं सुबह खुद आकर निकालूंगा। चलूं फिर मैं? ठीक है, तुम सुबह आओगे तो तुम्हें पूरा इंतजाम मिलेगा, दिलगीर ने इसे यकीन दिलाया। इधर से मुतमईन होकर वो दोबारा बाबा कंबल की कब्र पर गया। टॉर्च की रोशनी में इसने कब्र का अच्छी तरह जायजा लिया। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। वो कुछ देर और वहां ठहरा, फिर वो इत्मीनान भरे कदम उठाता कब्रिस्तान से बाहर आ गया। जब वो घर पहुंचा तो रात का 1 बज रहा था। वो ताला खोलकर घर में दाखिल हुआ तो उसे आजादी का एहसास हुआ। इसका दिमाग हल्का फुल्का हो गया था। खौफ और दबाव की कैफियत जिससे वो दो चार था खत्म हो गई थी। एक मुसर्रत भरे एहसास के साथ इसने पूरे घर का चक्कर लगाया। अब इस घर में मौजूद हर चीज उसकी थी और इस घर में एक खजाना दफन था। नोटों से भरे बक्स के अलावा कुछ ऐसी नायाब चीजें थीं जो सिफली इल्म करने में बड़ी मददगार साबित होती थी। ये छोटा सा घर भी बाबा की मिल्कियत था जो अब इसका हो गया था। वो बाबा कंबल के तख्त पर खूब हाथ पांव फैलाकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद ना आई। ख्यालात की यलगाड़ थी जो बार बार इसकी नींद उजाट कर रही थी। सबसे बड़ी खुशी अपने बच जाने की थी, वरना बाबा कंबल ने आज की रात अपना अमल मुकम्मल करके इसे नादीदा गिरफ्त में ले लेना था। वो बेदस्तोपा हो जाता, वो एक ऐसा मामूल बन जाता जो हर हाल में अपने आमिल की हाँ में हाँ मिलाता है। बाबा कंबल इसे बासानी 12 हाथ वाली के चरणों में डालकर इसकी गर्दन पर छुरी फेर देता, लेकिन वो छुरी के नीचे आते आते रह गया। एक ये एहसास कि वो आजाद हो गया था, एक ये एहसास कि उसकी जान बच गई थी, और एक ये एहसास कि इसका दुश्मन हमेशा के लिए नीस्तो नाबूद हो गया था और वो इस घर में मौजूद हर शय का बिला शिरकत गैरे मालिको मुख्तार हो गया था। ये और दूसरे एहसास मिलकर इसकी नींद उड़ाने के लिए काफी थे। फिर मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी भी थी। सोचते सोचते पूरी रात आंखों ही में कट गई। सुबह होते ही वो नहा धोकर घर से निकला। पहले उसने मार्केट के एक बड़े होटल से हलवा पूरी का डट कर नाश्ता किया और रक्षा पकड़कर कब्रिस्तान पहुंच गया। वो तेजी से कब्रें फलांगता बाबा कंबल की कब्र पर पहुंच गया। उसे ये देखकर खुशी हुई कि कब्र जू की तू थी। बेलचा कब्र में उसी तरह गड़ा हुआ था जिस तरह इसने गाड़ा था। कब्र के बराबर ब्लॉक जमा थे, इसका मतलब था कि दिलगीर ने सुबह तड़के ही काम शुरू करवा दिया था। शाम होते होते कब्र इसरार नासिर की मर्जी के मुताबिक पुख्ता कर दी गई। उसने राज मजदूर और सामान की अदायगी की, फिर 2000 रुपये दिलगीर को बतौर खास दिए। 2000 रुपये देखकर दिलगीर की बाँछें खिल गईं। दिलगीर, बाबा का हुक्म है कि इस कब्र की हिफाजत की जाए, इसे किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचे। इसरार ने हिफ्ज मातकदम के तौर पर यह बात कही। लो जी, तुम फिक्र ही ना करो, ये हर वक्त मेरी नज़र में रहेगी, इसे भला कौन नुकसान पहुंचा सकता है। आप बाबा जी को बोल देना इस कब्र की तरफ से बेफिक्र रहें, दिलगीर ने बड़े यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा। चलो फिर ठीक है, वैसे मैं भी इधर का चक्कर लगाता रहूंगा, इसरार बोला। आप जब चाहे आओ, बस अब कब्र की जिम्मेदारी मेरी, दिलगीर ने सीने पर हाथ रखकर कहा। फिर वो मजीद हिदायत देकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि इस कब्र को दिलगीर के अलावा और कोई नहीं तोड़ सकेगा। कब्र के टूटने की सूरत में बाबा कंबल के कत्ल का इंकशाफ होने का डर था, इसीलिए इसने कब्र को इंतहाई पुख्ता बनवा दिया था और साथ ही कब्र की हिफाजत की तलकीन भी कर दी थी ताकि कत्ल का राज हमेशा राज ही रहे। रात का खाना खाकर वो 9 बजे घर वापस पहुंचा। कुछ देर उसने तख्त पर आराम किया। अब वो बाबा कंबल की तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो गया था, किसी किस्म का कोई खदशा कोई खतरा बाकी ना रहा था। आराम करने के बाद उसने बाबा के अमलियात वाले कमरे की एक एक चीज का जायजा लिया। टीन के बक्स में लाखों रुपए थे। सिफली इल्म में काम आने वाली बहुत कीमती और नायाब चीजें लोहे की अलमारी में मौजूद थी। ये एक बड़ा खजाना था। अलमारी में एक खुफिया खाना था जिसका ताला बंद था। इस ताले की चाबी इसने पूरी अलमारी में तलाश कर ली, कहीं ना मिली। कमरे में भी तलाश की, बिल आखिर वो चाबी बाबा के चर्मी बैग से बरामद हो गई। चाबी निकालकर उसने धड़कते दिल के साथ खुफिया खाने में लगाई तो खाना खुल गया। उसने खाने का पट खोलकर अंदर हाथ डाला। ये एक गहरा खाना था। इस खाने में कपड़े में लिपटी चीज के अलावा कुछ और न था। ये चीज एक काले कपड़े में लिपटी हुई थी और ऊपर से देखने में जेवर का डब्बा महसूस हो रही थी। इसरार की समझ में ना आया कि इसमें क्या कीमती जेवर है कि इसे अलमारी के खुफिया खाने में महफूज किया गया था। जब इसरार ने कपड़ा खोला तो इसका अंदाजा गलत साबित हुआ। इसमें जेवर का डब्बा ना था बल्कि एक मोटी किताब थी, खासी पुरानी, जिसके सफ़े जर्द हो चुके थे और कई सफ़े किताब से अलग भी हो चुके थे। इसरार को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये किस किस्म की किताब है
जिसे बाबा कंबल ने बड़ी हिफाजत से रख छोड़ा था। इसने किताब खोलकर सरसरी सा जायजा लिया तो ये बात रोजे रोशन की तरह आया हो गई कि ये किताब वाकई कीमती थी और इंतहाई नायाब। ये अमलियात की किताब थी जिसमें मुख्तलिफ खबीस रूहों को अपने कब्जे में करने के मंत्र और जाप लिखे हुए थे। इसमें शैतानी रूहों पर कब्जा करने के अलावा भी बहुत कुछ था। इसरार इस किताब को देखकर बेपनाह खुश हुआ। ये सही मायनों में नायाब खजाना था। ये किताब इतनी पुरानी थी कि लगता था कि बाबा के अब्बा की होगी। उसने ये किताब इसी तरह काले कपड़े में लपेट कर खुफिया खाने में रख दी और खाने को मुकफ्फल कर दिया। इसरार इस घर को फरोख्त करके यहाँ से निकल जाना चाहता था। उसने आसपास ये मशहूर कर दिया कि बाबा कंबल हैदराबाद मुंतकिल हो गए हैं, वो अब मुस्तकिल वहीं रहेंगे। फिर उसने पड़ोसी से बात की कि वो ये मकान फरोख्त करना चाहता है, अगर वो खरीदना चाहे तो सस्ता दे देगा। पड़ोसी अपने मकान की तौसी चाहता था, लिहाजा वो फौरन राजी हो गया। वैसे भी ये मकान इसे बहुत सस्ता मिल रहा था। इसरार ने पहले सऊदाबाद में एक किराए का मकान हासिल किया और वहां मुंतकिल हो गया। फिर उसने मकान का सौदा पक्का कर लिया और जो भी पड़ोसी से रकम हाथ आई लेकर यहाँ से निकल गया। 2 माह बाद ही इसने सऊदाबाद भी छोड़ दिया और लियाकतबाद में एक छोटा मकान खरीद कर वहां शिफ्ट हो गया और इसी इलाके में एक पीसीओ खोल लिया। पीसीओ तो महज नाम का था। इस दुकान पर जो भी फोन करने आता ये उसे अपने पास बिठा लेता और कुछ इस तरह की शोबदेबाजी दिखाता कि पीसीओ पर एक बार आने वाला बार बार आने लगता। एक दिन सुबह पीसीओ खोलते ही एक परेशान हाल खातून अंदर आई। वो बुरके में थी, चेहरा खुला हुआ था। अधेड़ उम्र की इस औरत के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। उसने आते ही अपने छोटे से पर्स से एक पर्ची निकाली और इसरार को देते हुए बोली, जल्दी से ये नंबर मिला दो। इसरार ने पर्ची लेकर इस नंबर पर एक नजर डाली और रिसीवर उठाकर वो नंबर मिला दिया। इधर से किसी औरत की आवाज आई तो रिसीवर इसरार ने इस औरत की तरफ बढ़ा दिया। बात करें। अरे असगरी, कल मैंने जो तुझे सेट दिखाया था वो गायब है। पर आपा, मैंने तो देखकर आपके सामने ही तहमीना के हवाले कर दिया था। अरे मैं तुझे थोड़ी कह रही हूँ, तुझे बता रही हूँ कि वह सेट डब्बे में से गायब हो गया, अलमारी में खाली डब्बा रह गया। आपा, तुमने मेरे अलावा और किस किस को सेट दिखाया था? एक दो पड़ोस की औरतों को दिखाया था बस, फिर इनमें से ही किसी ने हाथ की सफाई दिखाई है। अरे नहीं, मैंने सेट उन्हें दिखाकर खुद अपने हाथ से डब्बा बंद करके अलमारी में रखा है। तो फिर आपा सेट कौन ले गया? असगरी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। 25-30 हज़ार का सेट है, शादी सर पर है, अब मैं क्या करूं? आपा तुम परेशान मत हो, मैं आती हूँ। हाँ असगरी, जल्दी से आ जा, मेरे तो हाथ पांव फूले जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ठीक है, तू आ जा। इस औरत ने बात खत्म करके रिसीवर क्रेडिट पर रखा और इसरार से मुखातिब होकर बोली, कितने पैसे दूं? खाला, एक मिनट बैठो और मुझे बताओ मामला क्या है, इसरार ने बड़े नर्म लहजे में कहा। पीसीओ वाले को हमदर्द पाकर इस औरत ने, जिसका नाम अकबर ही था, सेट गायब होने की पूरी रुदात सुना दी। इसरार ने एक दो सवाल इस जमन में किए और फिर बॉल पॉइंट हाथ में पकड़कर दराज से एक कॉपी निकाली और उसके एक सफ़े पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगा। लकीरें खींचने के साथ वो गर्दन भी हिलाता और कभी असबात में सर हिलाता जाता। कुछ देर बाद उसने कॉपी बंद करके दराज में डाली और बॉल पॉइंट का ढक्कन बंद करता हुआ बोला, खाला मैं जान गया हूँ कि तुम्हारा सेट कहाँ है। इस इंकशाफ पर अकबरी उछल पड़ी। वो बड़ी मिसकीन सूरत बनाकर बोली, अरे भैया जल्दी बताओ, मेरी तो जान निकली हुई है। इस सेट को घर के एक फर्द ने डब्बे से गायब किया है, इसरार ने डो टोक लहजे में बताया। घर के फर्द ने? अकबरी की पेशानी पर बल पड़ गए। अरे भैया कौन है वो? खाला हम नाम नहीं बताया करते, इसरार ने कहा, लेकिन यहाँ मामला सिर्फ जेवर का ही नहीं, घर की इज्जत का भी है, इसलिए इस राज को खोलना पड़ेगा। इस तरह घर की इज्जत भी बच जाएगी और हार भी बाजियाब हो जाएगा। अरे भैया क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो। साफ साफ बता दूंगा खाला, लेकिन तुम्हें दो काम करने होंगे, एक तो सब्र से काम लेना होगा, दूसरे तुम्हें मिठाई के पैसे देने होंगे। इसरार ने मामले की बात की। हाँ दे दूंगी मिठाई के पैसे, पहले जेवर तो मिले। लेकिन तुम पैसे कितने लोगे? सिर्फ 500 रुपये, इसरार ने कहा, और ये पैसे समझो बहुत कम है। जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ अगर कोई और बताता तो कम से कम 5 हज़ार लेता। अरे भैया मैं गरीब औरत हूँ, जाने किस किस तरह करके मैंने ये सेट बनवाया था। जानता हूँ, इसीलिए 500 रुपये मांगे हैं। इसरार अपनी रकम कम करने के लिए तैयार ना था। चलो दे दूंगी, लेकिन सेट मिलने के बाद, अकबरी ने साफ और वाज़े अंदाज में कहा। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ इसके आगे सेट की कोई हैसियत नहीं, इसरार नासिर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सुनो खाला,
मेरी बात गौर से सुनो, तुम जिस बेटी की शादी कर रही हो वो सेट उसी ने चुराया है। वो सेट इस वक्त इसके पर्स में मौजूद है खाला, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात पहले पूरे सब्र से सुनो। देखो, तुम्हारी लड़की किसी आमिर नामी लड़के से शादी करना चाहती है। वो आज रात कुछ कपड़े और सोने का ये सेट लेकर घर से निकल जाएगी। बस इतना काफ़ी है या अभी कुछ और बताऊँ? इसरार ने रुक कर पूछा। नहीं, इतना बहुत है, मैं अब जाती हूँ, कल तुम्हारे पास आऊँगी। अगर तुम्हारी दोनों बातें सच निकली तो मैं 500 रुपये नहीं 1000 दूंगी, मेरा इंतज़ार करना। ठीक है खाला, मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर मेरी बात सच निकले तो मिठाई के पैसे ज़रूर दे जाना, वरना मुझे बुलाना भी आता है। इसरार के लहजे में तंबीह थी। मैं ज़रूर आऊँगी, अकबरी ने उठते हुए कहा। फिर अचानक इसे कुछ याद आया। अय हाँ, कॉल करने के पैसे तो ले लो। फिर इसने कॉल के पैसे अदा किए और चेहरे पर फिक्रमंदी लिए वहाँ से चली गई। दूसरे दिन वो सुबह ही सुबह आ गई। इसरार नासिर ने उसका चेहरा देखा, चेहरे पर इत्मीनान फैला हुआ था। इसरार खामोश रहा, इसने इससे कोई सवाल न किया। अकबरी ने अपना छोटा सा पर्स खोला और उसमें 4 तह किया हुआ 1000 का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ले भैया मिठाई के पैसे, तुम्हारी हर बात सच निकली। मैं तुम्हारी बड़ी एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरी बरादरी में नाक कटने से बचा ली। मैंने इस कुतिया को आधी रात को घर से निकलते हुए पकड़ लिया। इसके पर्स में सेट मौजूद था और वो एक पोटली में चंद अच्छे जोड़े रखकर बाहर निकल रही थी। मैंने इसे चुटिया से पकड़कर पीछे खींच लिया और वो मारमारी के हफ्ते भर तक अपने बदन की सिकाई करती रहेगी। इस आमिर के बच्चे की भी मैंने खाल उतरवा दी, अब जिंदगी भर वो किसी घर की इज्जत को आंख उठाकर नहीं देखेगा। अकबरी जोश में और जाने क्या क्या बोलती रही। इसरार नासिर उसे देखकर खामोशी से मुस्कुराता रहा और इसकी बात पूरी तवज्जो से सुनता रहा। जब अकबरी के दिल की भड़ास निकल गई तो वो एक बार फिर इसका शुक्रिया अदा करके चली गई। ये औरत इसरार नासिर की पहली साइला थी जिसे उसने अपने फन का कमाल दिखाकर 1000 रुपये कमा लिए थे। ये इब्तिदा थी, पीसीओ पर आने वाले हर तरह के लोग थे, लड़के लड़कियां, औरतें मर्द, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक फ़ोन करने आते, उन्हीं में से वो अपने मतलब का शिकार अपने जाल में फांस लेता। एक दिन एक लड़की फ़ोन करने आई, वो कॉलेज के यूनिफॉर्म में थी, लंबे कद, सांवली रंगत, पुरकशिश चेहरा, कंधे पर बैग लटकाए वो इससे मुखातिब होकर बोली, फ़ोन करना है। इसरार नासिर ने उसे पीसीओ की तरफ बढ़ते हुए देख कर ही अपना अमल शुरू कर दिया। वो जेरे लब कुछ पढ़ रहा था। जब उस लड़की ने फ़ोन करने के बारे में कहा तो इसरार ने कोई जवाब ना दिया, वो तेज़ी से कुछ पढ़ रहा था, अलबत्ता इसने हाथ के इशारे से इंतज़ार करने को कहा। लड़की खामोश होकर खड़ी हो गई। चंद लम्हों बाद ही इसरार ने टेलीफोन इसकी तरफ खिसका दिया और ख़ुद ज़रा सा पीछे होकर बैठ गया। लड़की तेज़ी से नंबर मिलाने लगी और इसरार इसे बड़े गौर से देखने लगा। लड़की ने नंबर मिलाकर इसरार की तरफ से रुख फेर लिया। उसे इसरार का इस तरह घूरना अच्छा ना लगा था। इसने तय कर लिया था कि आइंदा वो इस पीसीओ पर फ़ोन करने नहीं आएगी। जिस नंबर पर उसने रिंग किया था उधर से किसी लड़की ने फ़ोन उठाया। लड़की की आवाज़ सुनकर इस लड़की ने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया और एक नज़र इसरार नासिर की तरफ देखा। क्या हुआ? इसरार ने पूछा। कुछ नहीं, लड़की ने नागवारी से कहा और अपनी मुट्ठी में दबे 10 रुपये के नोट को इसकी तरफ बढ़ाया। इसरार नासिर ने उसके हाथ से नोट ले लिया और बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बोला, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। लड़की खामोश रही, उसने सिर्फ सवालिया अंदाज में इसरार की तरफ देखा। आपने जिसको फ़ोन किया था वो घर पर नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि साजिद इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है। इसरार ने बड़ी सादगी से इंकशाफ किया। ये इंकशाफ इस लड़की के लिए धमाके से कम ना था। वो अंदर ही अंदर लरस कर रह गई। ये पीसीओ नया खुला था और वो पहली बार यहाँ आई थी। फिर इस वक्त फ़ोन पर इसने कोई बात ना की थी। साजिद की बड़ी बहन की आवाज़ सुनकर इसने फ़ोन रख दिया था। इस पीसीओ वाले ने ना सिर्फ इसके महबूब का नाम बता दिया था बल्कि ये दावा भी किया था कि वो कहाँ है और किसके साथ है, ये भी बता सकता है। लड़की के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ते देखकर इसरार ने तसल्लियाँ आमीज लहजे में कहा, आप परेशान ना हो, आपका राज राज रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ कि वो एक फ्रॉड लड़का है। उसका काम ही आप जैसी मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर बर्बाद करना है। इस वक्त वो हॉक्सबे पर एक परी गुल नामी लड़की के साथ मौजूद है। ओह, वो लड़की इस इंकशाफ पर इससे ज़्यादा कुछ ना बोल सकी। उसे शदीद जहनी झटका लगा, वो सदमे से निढाल हो गई। आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाएं, इसरार ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो लड़की कुर्सी पर किसी दीवार की तरह गिरी। इसकी बुरी हालत देखकर इसरार ने एक गिलास पानी इसके सामने रखा जिसे वो बहुत तेज़ी से घट घट पी गई। आपके पास साजिद का मोबाइल नंबर है? इसरार ने पूछा।
जी है, लेकिन वो उठा नहीं रहा, इस लड़की ने बमुश्किल कहा। शायद वो अपने आंसू रोकने की कोशिश में थी। आप मुझे नंबर मिलाएं, मैं देखता हूँ वो कैसे नहीं उठाता। लड़की ने नंबर बताया। इसरार ने नंबर मिलाते हुए फोन सेट पर एक फूंक मारी और बेल होते ही इसने रिसीवर लड़की के हाथ में थमा दिया। तीन चार बेलों के बाद साजिद की आवाज आई। हेलो साजिद, मैं समीना बोल रही हूँ। ओ यार समीना, माफ करना, मैं मुकर्रर वक्त पर जगह पर नहीं पहुंच सका। तुमने जरूर वहां मेरा इंतजार किया होगा। यार मैं एक मुश्किल में फंस गया हूँ, कल आकर तुम्हें बताऊंगा। तुम आज वाले वक्त पर वहां पहुंच जाना, ठीक है? साजिद, मैं तुम्हारी मुश्किल को अच्छी तरह जान गई हूँ। तुम्हारी इस मुश्किल का नाम परीगुल है, और इस वक्त तुम कहाँ हो ये भी बता सकती हूँ। तुम इस वक्त हॉक्सबे के साहिल पर हो। मैं अपने कानों से समंदर के शोर की आवाज सुन रही हूँ। साजिद, अभी कुछ और बताऊं या बस? जलील इंसान, अब आइंदा मुझे कभी शक्ल ना दिखाना। ये कहकर समीना ने एक झटके से रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। अब इसे खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। वो अपनी आंखों में आए आंसू ना रोक सकी। फिर उसने जल्दी जल्दी से अपने दुपट्टे से पोंछे और इसरार को बहुत शुक्रगुजार नजरों से देखा और बोली, आपने मेरी जिंदगी तबाह होने से बचा ली। आप एक जहीन लड़की हैं, आपने मोबाइल में पीछे से आती हुई समंदर की लहरों की आवाज पहचान ली। मेरा काम आसान हो गया, आपको यकीन आ गया कि जो कुछ मैंने कहा है सच कहा। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं, अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएं और कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके वालदैन की इज्जत खराब हो। ये अपने 10 रुपए रख लें, मैं आपसे कॉलों के पैसे नहीं लूंगा। इसरार ने इतना कहकर वो 10 रुपए का नोट इसकी तरफ बढ़ा दिया। समीना ने 10 रुपए का नोट अपनी मुट्ठी में दबाया और पीसीओ से बाहर निकल गई। दो चार दिन के बाद अकबरी एक औरत के साथ पीसीओ पर आई। इसरार ने अकबरी के साथ आने वाली औरत को बगौर देखा। वो इसे पजमुर्दा और बीमार सी औरत नजर आई। खाला कैसी हो? इसरार ने पूछा। अरे मैं ठीक हूँ। फिर वो अपने साथ वाली औरत की तरफ इशारा करके बोली, ये बहुत परेशान है, बहुत से पीरों फकीरों के दर पर हाजिरी दे चुकी हैं। मैंने कहा कि आई तुम कहाँ मारी मारी फिर रही हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पीसीओ वाले बाबा के पास ले जाती हूँ, चुटकी बजाते में मसला हल कर देंगे। अब तुम इनका मसला सुन लो, ये अपने बेटे के गम में आधी रह गई हैं। अच्छा खाला बैठो, मैं देखता हूँ क्या मसला है। ये कहकर इसरार ने दराज से कॉपी निकाली और इस पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगा। साथ ही साथ कभी नफी और कभी इस्बात में गर्दन हिलाता जाता था। अकबरी इसे बड़े फख्र से देख रही थी। कुछ देर बाद इसने कॉपी बंद करके दराज में डाल दी और बॉल पॉइंट का कवर लगाते हुए बोला, खाला इनका मसला मैंने मालूम कर लिया है, लेकिन मसला है बहुत टेढ़ा। मुझे 7 दिन कब्रिस्तान में वजीफा पढ़ना होगा। इसके लिए कुछ चीजें दरकार होंगी जो महंगी हैं, 10,000 रुपए से कम खर्चा नहीं आएगा। अरे बगैर बताए मसला भी मालूम कर लिया, जरा बताएं तो। खाला इनका लड़का जिसकी उम्र 15-16 साल है, 1 साल से घर से गायब है, इसे किसी ने अगवा नहीं किया। वो नाराज होकर घर से निकला, इस वक्त जहाँ है खैरियत से है। अगर कहो तो लड़के का नाम भी बता दूं। इसरार ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बताएं। इस मरतबा लड़के की माँ बेकरार होकर बोली, लड़के का नाम शमशाद है, गोरे रंग का है। इसरार ने बताया, हाय बिल्कुल सही नाम बताया, और ये भी सही है कि वो नाराज होकर घर से निकला। वो कई दिन से मोटरसाइकिल खरीदने की जिद कर रहा था। उसके अब्बू ने कहा, अभी तुम बहुत छोटे हो, बीए में आओगे तो मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा। बस फिर वो घर से जो गया तो फिर लौट कर ना आया। वो मेरा अकलौता बच्चा है, शुक्र है वो जिंदा सलामत है, लड़के की माँ बोली। हाँ बिल्कुल जिंदा सलामत है, और 7 दिन के अंदर अंदर वो घर वापस आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 10,000 रुपया खर्चा आएगा, पहले पैसे लूंगा। अगर लड़का 7वें दिन घर वापस ना आए तो अपने पैसे वापस ले जाना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इसरार नासिर ने खरे कारोबारी अंदाज में कहा, अकलौते बच्चे की बाजियाबी के लिए 10,000 रुपये कुछ भी ना थे, ये खाते पीते लोग थे। अगर कोई गरीब माँ भी होती तो इधर उधर से कर्ज उधार करके इसरार के हवाले कर देती। उसी शाम 10,000 रुपये उसे अदा कर दिए गए। इसरार ने दिन मुकर्रर कर दिया। इसरार ने उस लड़के शमशाद के सिलसिले में घर बैठकर सिर्फ 3 दिन 1 घंटे का अमल किया। वो लड़का बेकरार होकर घर वापस लौट आया। उसी शाम उसकी माँ मिठाई का डिब्बा लेकर और साथ लड़के को लेकर खुश खुश इसरार के पास आई। इसरार ने डिब्बा खोलकर एक गुलाब जामुन खाई और डब्बा माँ बेटे को वापस कर दिया। अभी 3 दिन गुजरे थे कि समीना एक लड़की के साथ आई। आज वो कॉलेज के यूनिफॉर्म में न थी, घरेलू लिबास में थी और अच्छी लग रही थी। इसरार ने समीना और इसके साथ आने वाली लड़की को एक नज़र देखा और कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इनका एक मसला है, समीना कुर्सी संभालते हुए बोली, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, किसी
किसी को पसंद करती है, जरा इस लड़के के बारे में बताएं। अच्छा, इसरार ने दराज से कॉपी निकाली और बॉल पॉइंट से कार्रवाई करने से पहले बोला, इनका नाम सुमेरा है। इनका नाम, समीना ने जवाब दिया। कुछ देर इसरार कॉपी पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाता रहा और फिर बोला, लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि लड़के के वालदैन इस रिश्ते पर राजी नहीं। राजी तो खैर से इनके घर वाले भी नहीं, लेकिन इनके घर वाले तो किसी तरह मान जाएंगे, लेकिन लड़के के वालदैन किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। आपने जो कहा सही कहा, असल मसला यही है कि लड़के के वालदैन राजी नहीं। लड़का कहता है कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज पे ये राजी नहीं, समीना ने बताया। फिर ये क्या चाहती हैं, इसरार ने पूछा। वालदैन राजी हो जाएं लड़के के, फिर इसके घर वाले भी मान जाएंगे। ये चाहती हैं कि शादी में सब हंसी खुशी शरीक हों, समीना ने बताया। ये 3,000 रुपये खर्च करने को तैयार हूँ तो इनका मसला हल कर दूंगा, इसरार ने बड़ी संजीदगी से कहा। लड़के के वालदैन भी राजी हो जाएंगे और इनके वालदैन भी इस रिश्ते को हंसी खुशी कबूल कर लेंगे। समीना की दोस्त सुमेरा ने दूसरे दिन 3,000 रुपये लाकर दे दिए। इसरार नासिर ने एक खास अमल के जरिए सुमेरा के रिश्ते में जो रुकावटें थीं वो दूर कर दीं। दोनों की मंगनी हो गई, हंसी खुशी सब शरीक हुए। एक दिन एक औरत टेलीफोन पर किसी से अपने शोहर की शिकायत कर रही थी। इसरार ने इस केस को फौरन अपने हाथ में ले लिया। औरत गरीब थी, इससे सिर्फ 500 रुपये लिए और एक पुड़िया में कुछ बांध कर दे दिया और कहा कि चाय में डालकर पिला देना, चाय पीते ही तुम्हारा शोहर मुती हो जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। फिर इसी तरह चिराग से चिराग जलता रहा। इसरार नासिर की शोहरत बड़ी तेजी से फैलती गई। 2 माह के अंदर अंदर उसने अपना खासा एतमाद जमा लिया। अब लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। वो इस इलाके में पीसीओ वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गया। उसे ये नाम देने वाली अकबरी थी। आहिस्ता आहिस्ता लोग इसे इसी नाम से पुकारने लगे। इसरार को ना चाहने के बावजूद ये नाम कबूल करना पड़ा। अब लोग इसके पीसीओ पर फोन करने कम आते, अपने मसले मसाई लेकर ज्यादा आते और वो इनसे खासी रकम ऐंठ लेता। आने वालों में खवातीन की तादाद ज्यादा थी। समीना भी आती रहती थी। जब उसने साजिद के बारे में इंकशाफ किया था तब से वो इसकी बड़ी ममनून थी। फिर इसने दूसरा एहसान इसकी दोस्त सुमेरा पर किया था। ये एक मुश्किल काम था, बल्कि नामुमकिन, लेकिन उसने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना दिया था। समीना इसरार को पसंदीदगी की नजर से देखने लगी थी। वो अपने चेहरे मोहरे से पढ़ा लिखा और मुहज्जब दिखाई देता था। इसमें बाबाओं वाली कोई बात ना थी। वो बहुत तमीज और तहजीब से बात करता था। उसके अंदाज में कोई सौकियानापन ना था। जब पहली बार समीना इसके पीसीओ में फोन करने आई थी तो उसे देखते ही इसरार के दिल में एक फुलझड़ी सी छूटी थी। वो फौरन इसकी आंखों के जरिए उसके दिल में उतर गई थी। वो इसे अच्छी लगी थी। फिर इत्तेफाक ये कि इसका मामला ऐसा निकल आया, उसने इसे साजिद जैसे फ्रॉड लड़के से बचा लिया। इस एहसान ने समीना के दिल में इसरार के लिए जगह बना दी। इसरार को लोग पीसीओ वाले बाबा कहते तो इसको बड़ी हंसी आती। क्या अजीब नाम था। एक दिन वो आई तो इसने मुस्कुरा कर पूछा, ये आपने अपना नाम पीसीओ वाले बाबा क्यों रख लिया है? कुछ अजीब सा बल्कि फजूल सा नाम नहीं है? भाई मैं क्या करूं, लोगों ने मुझे इसी नाम से पुकारना शुरू कर दिया, किस किस को रोकूंगा, इसरार ने हंसते हुए कहा। वैसे आपका नाम क्या है, समीना ने पूछा। मेरा नाम इसरार नासिर है, इसने बताया। वाह क्या अच्छा नाम है, समीना खुश होकर बोली। आप लोगों को बताएं कि आपका नाम इसरार नासिर है, पीसीओ वाले बाबा नहीं। समीना साहिबा मैं किस किस को बताऊं, वैसे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग जो मर्जी चाहे कहें, इसरार बोला। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, समीना ने शीरी लहजे में कहा। इसरार नासिर ने उसे चौंक कर देखा। इसकी आंखों में चिराग रोशन थे। वो चंद लम्हे तवक्कुफ करके बोली, मैं नहीं चाहती कि कोई आपको इस अहमकाना नाम से पुकारे। समीना साहिबा नाम में क्या रखा है, इसरार ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। नाम में बहुत कुछ रखा है, वरना फिर अच्छे नाम रखने की तलकीन क्यों की जाती, समीना ने अपनी पलकें झुकाते हुए कहा। हाँ बात तो आपने बड़े पते की है भाई, मैं आपको मान गया, आप हसीन होने के साथ जहीन भी हैं और ये दोनों खूबियां मुश्किल ही से यकजा मिलती हैं, इसरार नासिर ने शगुफ्ता लहजे में कहा। आप फिर यूं करें, मेरा कोई अच्छा सा नाम रख लें, समीना ने जवाब देने के लिए अपने भरे हुए लब खोले ही थे कि इसरार नासिर की आंखों में हैरत देखकर वो बोलने से पहले ही चुप हो गई। उसने पलटकर पीछे देखा कि वो किस चीज को देखकर हैरान हुआ है। अरे, अचानक इसरार नासिर ने बड़ी खुशगवार हैरत से कहा और फिर वो इन दोनों को देखकर उठ खड़ा हुआ। 5-6 माह गुजरे तो सारिम की बौखलाहट उरूज पर थी। इसकी फिक्र परेशानी काबिले दीद थी। सारा को अपने से ज्यादा सारिम की फिक्र लाहक हो गई थी। दोनों एक दूसरे की फिक्र में घुले जा रहे थे।
सारिम जब तक घर में रहता, सारा के आगे पीछे घूमता रहता, खड़ी होती तो उसे ज्यादा खड़ा ना होने देता, हाथ पकड़कर बेड पर बिठा देता। अगर बैठी होती तो ढेर सारे तकिए पीछे रख कर लिटा देता। अगर लेटी होती तो इसके पास बैठकर सर दबाने लगता। इसका बालिहानापन देखकर सारा की आंखें भीग जाती। उसके दिल से बेख्तियार दुआ निकलती, या अल्लाह सब खैर रखना। ऐसा नहीं था कि सारा को अपनी सेहत की कोई फिक्र ना थी, इसे फिक्र थी। अल्लाह ने 7 साल के बाद जो खुशी अता की थी वो इस सिलसिले में कोई गफलत बरतना नहीं चाहती थी और ना बरतती थी। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो पूरी तरह अपना ख्याल रखे हुए थी, हर तरह से मुतमईन थी। लेकिन अगर कोई मुतमईन नहीं था तो वह सारिम था। अब सारा ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। वैसे इसकी कोशिश होती कि जब तक सारिम घर में रहे वो हंसती मुस्कुराती रहे, कोशिश करती कि सारिम इसकी किसी हरकत से वहम में मुबतला ना हो। दिन इसी तरह गुजर रहे थे, घर में हर तरह का सुकून था। जब से बाबा कंबल 7 दिन का अमल करके गया था किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आई थी। ऊपर का पोर्शन हनूज बंद था, ऊपर कोई जाता ही ना था। बाबा कंबल ने ठीक कहा था कि इसका अमल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 6 दिन के अमल के नतीजे में उसने इस शरी मखलूक का घर में दाखिला बंद कर दिया है। और वाकई ये बात सच साबित हुई थी, क्योंकि 5-6 माह का अरसा बीत जाने के बावजूद किसी किस्म की शर पसंदी घर में नजर नहीं आई थी। अगर किसी किस्म की शोरिश नजर आती तो सारिम ने तय कर लिया था कि ऐसे माहौल में सारा को हरगिज नहीं रखेगा। वो दूसरा घर किराए पर ले लेगा, लेकिन घर छोड़ने की नौबत ही ना आई। जब घर में किसी किस्म का कोई मसला ना था तो वो खामखा घर क्यों छोड़ता? कभी कभी सारिम के दिल में बैठे बिठाए एक खौफ की सी लहर उठती। उसके जहन में ये ख्याल आता कि कहीं ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खेमा तो नहीं। इस शरी मखलूक से कुछ बईद नहीं था, ये बड़ी अय्यार किस्म की मखलूक थी। इस तरह हाथ दिखाती थी कि बंदा सर पकड़ कर बैठ जाता था। और फिर हुआ भी यही, उसने सारिम के साथ ऐसा हाथ दिखाया कि वो दिल थाम कर रह गया। उस दिन रात ही से बारिश शुरू हो गई थी, बहुत तेज और मूसलाधार बारिश। उस कराची शहर में जहाँ का कोई निजाम दुरुस्त नहीं, सड़कों पर आए दिन गटर उबलते रहते थे, नक्कासी आपका कोई माकूल इंतजाम नहीं, ऐसे में इस शहर में बारिश का एक छींटा पड़ जाए तो यहाँ के वासियों की जान अजाब में आ जाती है। खुजा मूसलाधार बारिश, और वो भी मुसलसल। सुबह 4 बजे से जो बारिश शुरू हुई तो इसका जोर 9 बजे के करीब टूटा, बंद फिर भी ना हुई। किन मिन बूंदे पड़ती रहीं, गर्मी भी कई दिन से अच्छी खासी पड़ रही थी। ऊपर से बिजली की आंख मचोली, लोगों की जान निकली हुई थी। इस बारिश ने मौसम ठंडा कर लिया था, लेकिन झोपड़ी वालों की जान अजाब में आ गई थी। बारिश हो 1 घंटा तो छत टपके 2 घंटे, लेकिन अगर तूफानी बारिश छत ही उड़ा ले जाए तो फिर छत टपकने का मसला ही ना रहे। मजबूत और पक्की छतों वाले बारिश का लुत्फ ले रहे थे, कुछ अपनी छतों पर चढ़ गए थे, कुछ अपने घर के आंगन में खड़े भीग रहे थे। सारा के घर में चारों तरफ लगे पेड़ पौधे बारिश से खूब निखर आए थे। सारा को बारिश से इश्क था, भीगा मौसम उसके दिल में फूल खिला देता था। वो काफी देर पहले उठ गई थी, उसका जी चाह रहा था कि वो खूब तेज बारिश में नहाए, लेकिन वो जानती थी कि अगर सारिम ने उसे बारिश में भीगते देख लिया तो उसकी जान ही निकाल देगा। लिहाजा वो अपना मन मारे लाउंज के दरवाजे पर कुर्सी डाले बारिश का नजारा करती रही। खाला सज्जू ने नाश्ता तैयार कर लिया तो सारा ने सारिम को जाकर उठाया। जनाब, बड़ी जबरदस्त बारिश हुई है, पेड़ पौधे खूब निखर गए हैं, सारा ने इत्तला दी। बारिश का जिक्र सुनते ही वो एकदम उठकर बैठ गया। उसने सारा को गौर से देखा, फिर उसके कपड़े छुए और बालों पर हाथ फेरा, फिर फिक्रमंद होकर बोला, तुम बारिश में तो नहीं भीगी? नहीं भीगी, मैंने घर से बाहर कदम भी नहीं निकाला, सारा ने हंसकर कहा। अच्छा चलो उठो, नाश्ता कर लो, बाहर देखो क्या जबरदस्त मौसम है, सारा ने कहा। सारिम जल्दी से उठ गया, नाश्ता करके इसने बाहर का रुख किया। बारिश अब भी हो रही थी लेकिन बहुत हल्की। वो घर से बाहर आया तो एकदम ताजगी का एहसास, फरहत बख्श हवा चल रही थी, फिजा में मिट्टी की खुशबू रची हुई थी। सारिम ने गहरे गहरे सांस लिए। सारिम को बाहर देखकर सारा भी इसके पीछे आ गई। बाहर की फिजा ने इस पर एक नशा सतारी कर दिया। सारा को अपने अकुब में आता देख कर सारिम वहीं रुक गया। जी में तो आया कि इसे वापस घर में भेज दे, लेकिन सारा के चेहरे पर एक सरशारी किसी कैफियत देख कर वो रुक गया। वो जानता था कि सारा बारिश की किस कदर दीवानी है, अब अगर इसने फौरन ही घर में वापस भेज दिया तो वो बुझ जाएगी। वैसे बारिश बराए नाम थी, इक्का दुक्का बूंदे पड़ रही थी, इसके भीगने का खतरा ना था। सारिम, क्या जबरदस्त मौसम है, ऐसे मौसम में मेरा जी चाहता है कि किसी पुरफिजा मकान की सुनसान सड़क पर भीगती चली जाऊं, यहां तक कि सड़क खत्म हो जाए, सारा ने आंखें बंद करके लुत्फ लेते हुए कहा।
मोहतरमा अपनी आंखें फौरन खोल लें और फौरन अंदर चलें। बिलाखिर सारिम को कहना पड़ा, क्या है? कुछ नहीं, बस अब आप अंदर चलें, सारिम ने हंसकर कहा। 11 बजे के करीब जब वो दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा तो सारा ने कहा, ऐसी बारिश में कहाँ जा रहे हो? सारा, जाना जरूरी है, एक तो शूटिंग शेड्यूल तय करना है, दूसरा एक दो अदाकारों से मीटिंग करनी है। वैसे मैं जल्द अज जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा, सारिम ने कहा। चलो ठीक है, सारा ने ज्यादा इसरार न किया, वो इसके काम की नौइयत समझती थी। जब वो जाने के लिए घर से निकला तो सारा इसे हसबे मामूल मेन गेट तक खुदा हाफिज कहने के लिए साथ आई। बारिश एक बार फिर रुक गई थी। सारिम ने उसे अपने साथ आते देखकर फौरन इसे टोक दिया, नहीं सारा, तुम आराम से घर में बैठो, काफी घूम फिर ली हो, खाला सज्जू को भेजकर मेन गेट बंद करवा लेना। ओके, खुदा हाफिज। उसने सारा का जवाब सुनने की जहमत गवारा ना की, तेज तेज कदमों से चलता हुआ इसकी नजरों से ओझल हो गया। उसके जाने के बाद वो काफी देर दरवाजे पर खड़ी बाहर का मंजर देखती रही और सोचती रही। सारिम की रोक टोक से इसे उलझन तो होती थी, लेकिन इस रोक टोक और एहतियात के पीछे जो जज्बा कारफरमा था, इस जज्बे की सच्चाई से वो क्या कोई भी इनकार न कर सकता था। जब खाला ने देखा कि सारा काफी देर से दरवाजे पर खड़ी है तो उसने इसके पीछे कुर्सी रख दी और बोली, बीबी बैठ जाए। अच्छा, सारा ने चौंक कर खाला सज्जू को देखा, फिर कुर्सी पर बैठ गई। बीबी क्या सोच रही थी खड़ी खड़ी? खाला सज्जू ने ऐसे ही बात करने के लिए उसे छेड़ा। कुछ नहीं खाला, कुछ खास नहीं, सारा ने धीरे से जवाब दिया। फिर भी कुछ तो, खाला सज्जू ने सादगी से पूछा। बस सारिम के बारे में सोच रही थी, किस कदर ख्याल करते हैं मेरा, कभी कभी तो मुझे डर लगने लगता है, खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ। सारा बीबी खबरदार, बतफाल मुंह से ना निकाले, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। खाला सज्जू ने बेख्तियार होकर इसकी बात काट दी, कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। हाँ बस खाला, मेरी दिन रात यही दुआ है, अल्लाह खैर करना, मुश्किल को आसान करना, हर तरह के सदमे से बचाना। ये कहते हुए सारा की आंखें मोहब्बत से लबरेज हो गई। उस दिन सारा की अजीब सी कैफियत थी, खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे हो क्या रहा है, बस एक बेनाम सी उदासी थी, एक अनजाना सा खौफ था। बैठे बैठे थक गई तो अपने कमरे में आ गई। उसने शाहिदा को फोन किया, कोई आधे घंटे तक वो इससे इधर उधर की बातें करती रही। बातों के दौरान तो वो खुद को भूल ही रही, लेकिन जैसे ही इसने रिसीवर रखा, फिर एक बेनाम सी उदासी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। वो घबरा कर बाहर निकल आई और किचन में आकर कुछ छोटे मोटे काम निपटाने लगी। बीबी आप बैठ जाओ, मैं कर लूंगी, खाला सज्जू ने उसे टोका। नहीं खाला, मुझे करने दो, सारा ने बड़े नर्म लहजे में कहा। सारा बीबी कोई परेशानी है? खाला सज्जू ने उसका चेहरा गौर से देखते हुए पूछा। खाला पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिल घबरा रहा है, सारा ने दिल की बात कही। हो जाता है ऐसा इन दिनों में, आप किसी से टेलीफोन पर बात कर लें, खाला सज्जू ने तजवीज़ पेश की। अभी तो शाहिदा से आधे घंटे बात करके आ रही हूँ, सारा ने बताया। फिर भी जी नहीं बहला, खाला सज्जू ने पूछा। कहाँ खाला? सारा ने होंठ सिकोड़ कर कहा। अच्छा फिर यूं करें, कुछ देर सो जाएं। नहीं खाला अभी नहीं, खाना खाकर लेटूंगी तो फिर कुछ देर सोऊंगी, अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही, सारा बोली। फिर दोपहर का खाना खाकर वो अपने बेडरूम में चली गई। खाना भी उसने बराए नाम ही खाया। बारिश मुसलसल हो रही थी, कभी तेज कभी हल्की। इस बारिश ने शहर को उथल पुथल करके रख दिया था। सारा ने लेटने से पहले अपने कमरे की खिड़कियों से पर्दे हटवा दिए थे, इसे बाहर का मंजर नजर आ रहा था। वो लेटे लेटे बारिश का मजा ले रही थी, फिर बारिश देखते ही देखते जाने कब इसकी आंख लग गई। काफी देर सुकून से सोती रही, कोई 3 बजे के करीब अचानक इसकी आंख खुली। उसने घबरा कर कमरे में चारों तरफ देखा, कमरे में कुछ ना था, बस बाहर से तेज बारिश की आवाज आ रही थी। वो उठकर बैठ गई, उसने तकिए रखकर टेक लगा ली और अपने ख्वाब पर गौर करने लगी। वो एक गहरा ख्वाब था जो इसे अपनी पूरी जज़ियात के साथ याद था, बल्कि जहन पर नक्श था। सारा ने ख्वाब में शाह साहब को देखा था, उसके पास खड़े सब्र तहमुल की तलकीन कर रहे थे। वो कह रहे थे, आपको सब्र करना होगा। इससे पहले कि सारा उनसे सवाल जवाब करती, इसकी आंख खुल गई। सारा को याद आया कि जब शाह साहब घर आए थे तो इन्होंने उससे यही जुमला कहा था, बेटा आपको सब्र करना होगा, और अब ख्वाब में आकर भी उन्होंने यही कहा। आखिर मसला क्या है? कोई ना कोई बात जरूर है कि शाह साहब इसे बार बार सब्र की तलकीन कर रहे हैं, आखिर क्या होने वाला है? सारा का दिल अचानक बैठने लगा। उसने रिसीवर उठाकर सारिम को फोन मिलाया। हाँ सारा, खैरियत? इधर से सारिम ने अपना मोबाइल फोन कान से लगाया। सारिम कब आओगे? वो बेकरारी से बोली।
बस निकलने वाला हूँ। तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। सारे, मैंने अभी एक ख्वाब देखा है। बताओ क्या देखा? लगता है कोई परेशानी वाला ख्वाब देख लिया। सारे, मैंने शाह साहब को ख्वाब में देखा है। वो मेरे सिरहाने खड़े कह रहे थे, बेटा आपको सब्र करना होगा। मैं चाहती हूँ कि इनसे कुछ बात करूँ, लेकिन उसी वक्त मेरी आंख खुल जाती है। सारिम, इस ख्वाब को देखने के बाद मेरे दिल को करार नहीं है। अल्लाह जाने क्या होने वाला है। वो बेहद परेशान थी। अरे पागल हुई हो क्या? इस तरह ख्वाब देखकर परेशान होगी तो फिर जिंदगी किस तरह गुजरेगी? बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह खैर करेगा, उसने तसल्ली दी। सारिम, क्या तुम्हें याद है कि शाह साहब हमारे घर आए थे तो उन्होंने मुझे देखकर यही बात कही थी? तुम्हें याद आया? सारा ने सवाल किया। हाँ सारा, उन्होंने कुछ सब्र वाली बात तो की थी, जिस पर मैंने कहा था कि शाह साहब ये बड़ी सब्र वाली खातून हैं। सारिम को याद आया, यही बात उन्होंने ख्वाब में आकर दोहराई है। सारिम, तुम मेरी बात मानो ना मानो, इस बात के पीछे कोई राज है, सारा ने जोर देकर कहा। अच्छा, फिर मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए शाह साहब के पास जाऊंगा, उनसे इस ख्वाब का जिक्र करूंगा। हाँ सारिम, ये अच्छा होगा, तुम शाह साहब से जरूर मिलना, लेकिन आज नहीं, अभी तो तुम सीधे घर आओ, सारा ने कहा। आज तो घर पहुंचना ही मुश्किल है, कल सुबह आ जाऊंगा। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, बुरी तरह ट्रैफिक जाम है, मुझे देर हो जाएगी तो परेशान मत होना। सारिम ने इसे बाहर की सूरत हाल बताई। चलो ठीक है, मैं तुमसे फोन पर बात करती रहूंगी, सारा ने कहा। ओके, सारिम ने मोबाइल बंद कर दिया।